स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13। इसमें कुछ एग्जांपल्स तो आपको जो कल करवाए गए थे वैसे करवाने हैं, पेंडिंग हैं वो अभी, और कुछ आपको मॉडुलस वाले एग्जांपल्स करवाने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इस लेक्चर के लिए वो है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स 3x प्लस में बी एक्स ग्रेटर देन 1, 11x इक्वल टू 1, 5x माइनस 2b एक्स लेस देन 1, इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर ये फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, ये रहा b। ओके, अब देखिए 1 पे 11 वैल्यू है फंक्शन की, ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये रहा, लेस देन 1 पे ये रहा। दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये लिखेंगे हम 5x माइनस 2b। अब x को 1 रख देंगे डायरेक्टली, 5a माइनस 2b हमें मिला। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ये रहा 3ax प्लस में बी, x को 1 रख दो डायरेक्टली 3a प्लस में बी, एंड एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ 1 एक्स इज इक्वल टू 1 11, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट है 3a प्लस में बी, और एफ 1 है 1 11। ओके, तो देखिए दो इक्वेशन बन गई हैं हमारे पास यहाँ से, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 एंड 3a प्लस में बी इज इक्वल टू 11। अब बस आपको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, सॉल्व आप कर लेंगे ना, तो a और b इस तरह से हमें सॉल्व करना है, a आ जाएगा और b आ जाएगा, ऐसे करना है इक्वेशन। समझ में आ गया आप लोगों को, लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सॉल्व करके ही हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेट एफ एक्स हमारे पास गिवन है 1 माइनस में कॉस 4x बाय में एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0, ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड रूट एक्स अपॉन में रूट 16 प्लस में रूट एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स लेस देन 0 पे फंक्शन ये है, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ये है, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है। इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके, वैसे ही करना है, बस थोड़े क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़ा डिफरेंट दे रखा है तो आपको बता देते हैं। पहले करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स अप्रोच इज 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 1 माइनस में कॉस 4x बाय में एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कल भी ये फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस में कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस में कॉस 2x तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो यहाँ 2 हो, x हो, 4x हो, जो भी एंगल हो उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4x है यहाँ तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2x, ये एक्स स्क्वायर। ओके, इस 2 को बाहर ले आइए लिमिट से,
दोनों स्क्वायर क्वांटिटी हैं, एक साथ कलेक्ट कर दीजिए। अब ये बात भी आपको बताई गई थी, जो एंगल बना होता है सेम हमें वही टर्म नीचे बनानी होती है, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अब देखिए जो ये मल्टीप्लाई किया है 2 का स्क्वायर बन के, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लो और लिमिट को आप इस साइन के साथ अटैच करवा दो। करवा दिया, स्क्वायर अंदर ले जाके, और जो एंगल यहाँ होता है वही हम यहाँ लिमिट बना देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1, 8 इंटू में 1, 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 8। समझ गए ना, 2 साइन स्क्वायर 2x बाय एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन साइन 2x बाय एक्स, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आया, ये हमने बना दिया। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है रूट x, 16 प्लस में रूट एक्स माइनस 4। अब देखिए अगर हम यहाँ x को रखते हैं डायरेक्टली, तो x को यहाँ रखा तो 0, x को यहाँ रखेंगे 0, 16 का रूट 4, 4 माइनस 4 0, 0 बाय 0 फॉर्मेट है। हमेशा याद रखिए 0 बाय 0 फॉर्मेट जब बनता है, यहाँ पे भी 0 बाय 0 बन रहा है, रखोगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, तो 0 बाय 0 यहाँ भी बन रहा है। तो 0 बाय 0 को रिमूव करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, ऐसे यहाँ पे भी 0 बाय 0 फॉर्मेट बन रहा है। अब 0 बाय 0 फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए आप फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, सब्सटीट्यूशन या फॉर्मूला जो भी यूज़ होता है वो सब कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रूट में है, तो आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करोगे, अगर क्वेश्चन रूट में होता है तो रेशनलाइजेशन करो। आपको यह क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको रेशनलाइज कीजिए आप, रूट 16 प्लस में रूट एक्स माइनस 4 इंटू में रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट 16 प्लस में रूट एक्स प्लस 4, कर दिया रेशनलाइज। नाउ इसको तो इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया डायरेक्टली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 रूट एक्स, ब्रैकेट अप्लाई करके लिखना है, प्लस में 4, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या बन जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला ही रूट हट जाएगा, 16 प्लस रूट एक्स रह जाएगा, और माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, 16 प्लस में रूट एक्स और माइनस में 16, इससे कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 रूट एक्स, 16 प्लस में रूट एक्स का रूट प्लस में 4 बाय में रूट एक्स, इसे कैंसिल हो गया। अब लिमिट रखो, एक्स को 0 रखोगे तो रूट 16 जो कि 4 और आगे भी 4, 8। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ 0 हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 8 आई है, और ए भी 8 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। ऐसे करना है आपको, समझ गए, सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है इस क्वेश्चन में, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, हमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल है ये। एक बार हम यहाँ से बता देते हैं कि रूट में था तो रेशनलाइज हमें करना पड़ा इसको, रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स देन वैल्यू रख दी हमने, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस में साइन एक्स बाय एक्स, एक्स लेस देन 0, सी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस में बी एक्स स्क्वायर माइनस में रूट एक्स अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2, एक्स ग्रेटर देन 0। नाउ देखो
लेस देन जीरो के लिए फंक्शन ये है, इक्वल टू जीरो के लिए सी वैल्यू दे रखी है और ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन ये है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ओके, हमें करना क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सेम वही प्रोसेसर, लिमिट अलग अलग दे रखी है इसमें फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं हम। पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव। अब फंक्शन हमारा क्या है, आप लोगों को अब तक अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें फंक्शन कौन कौन से लेने होते हैं। अब कोई मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक ना कर दें कि इसमें से साइन एक्स का भी कॉमन ले लें, कॉमन नहीं आएगा। जैसे अगर साइन 2x प्लस में साइन 3x दिया हुआ है तो वो एज इट इज़ ही लिखा रहता है, वो कॉमन नहीं आते हैं। हमें इसको करना कैसे, जैसे हमने ज़ीरो रखा तो ये साइन ज़ीरो बना, ये भी साइन ज़ीरो बना और ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्मेट आ गया। लिमिट में मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्मेट ही मिलेगा आपको। ओके, तो करना क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो नेगेटिव। अब इस एक्स को दोनों के नीचे सेपरेट कर दो। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो आपको ऐसे ही करना है, दोनों के नीचे सेपरेट कर दो। कर दिया। अब देखो साइन एक्स बाई एक्स तो डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन बन गया है, लेकिन यहाँ साइन ए प्लस वन एक्स बाई एक्स है, तो एक्स के साथ ऊपर जो टर्म है वही टर्म नीचे होनी चाहिए। तो हमें नेक्स्ट वाले में करना क्या पड़ेगा, साइन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए प्लस वन एक्स है तो एक्स के साथ ए प्लस वन अटैच किया, ए प्लस वन यहाँ अटैच किया, क्वांटिटी है ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दो। कर दी। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये वन बन गया है, ये क्या बना, ए प्लस वन, और इसको देखें तो ये वन बन गया, तो ये बन गया ए प्लस में टू। आ गया समझ में, सिर्फ सेपरेट किया है, सेपरेट करने के बाद जो ऊपर एंगल है एक्स के साथ जो टर्म लगी हुई है वही ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। सभी क्वेश्चंस में मोस्टली यही करवा रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से ए प्लस टू मिला। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो पॉजिटिव, फंक्शन हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा फंक्शन है रूट एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वेयर माइनस रूट एक्स अपॉन में बी एक्स की पावर थ्री बाय टू। अब यहाँ भी देखिए, अगर हम x को ज़ीरो रखते हैं तो x को ज़ीरो रखते हैं, x को ज़ीरो रखते हैं, पूरा ज़ीरो बना, ये भी ज़ीरो बना तो ज़ीरो बन गया, नीचे भी ज़ीरो, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्मेट है। सेकंड थिंग हमने देखी कि ये तो रूट में है, अगर रूट में है हमारे पास तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, हमें इसको रेशनलाइज करना है। जैसे ही हमें रूट में मिलेगा हमें उसको रेशनलाइज करना होता है, तो आप इसको रेशनलाइज कीजिए, रूट एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट एक्स। ओके, न्यूमरेटर से रेशनलाइज किया है हमने इसको। नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब रूट हटा दो, माइनस में बी स्क्वेयर, फिर से रूट हटा दो और बी एक्स पावर थ्री बाय टू, और ये ब्रैकेट में लिखोगे आप क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लिखनी है ये वाली टर्म। नाउ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, सिर्फ रैशनलाइज किया है अभी तक और कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो पॉजिटिव, बी एक्स स्क्वेयर अपॉन में नीचे बी एक्स की पावर थ्री बाय टू है, रूट एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट एक्स, ये हमें मिल गया है। नाउ अब हम करेंगे क्या, b से b कैंसिल हो गया और x की पावर कलेक्ट कर देंगे, देन लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ से x की पावर हमने कलेक्ट कर दी है, देन x रूट में मिल जाएगा, रूट एक्स अपॉन में x प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट एक्स। ठीक है ना, समझ में आ गया है ये।
तो इस तरह से हमें करना है 2 - 3/2 पावर ऊपर ले गए तो 1/2 बची, तो रूट एक्स। अब देखिए जब तक ये रूट एक्स, अभी भी अगर एक्स को ज़ीरो रखोगे तो ये ज़ीरो बना, ये पूरा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो बाय ज़ीरो आ गया। अगर आप इसको दोबारा रैशनलाइज़ करना चाहते हो तो दोबारा रैशनलाइज़ करके कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो यहीं से कॉमन लेके हमें मिल सकता है। ये देखिए कैसे होगा, रूट एक्स अपॉन में, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया हमने, वन प्लस में बी एक्स बचा प्लस में रूट एक्स। नाउ हमारे पास अगर रूट ए भी होता है तो हम उसको रूट ए इंटू रूट भी लिख सकते हैं ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट वन प्लस में बी एक्स प्लस में रूट एक्स। हमने इसको सेपरेट कर दिया रूट में, अब डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया हमने, कैंसिल हो गया। नाउ अभी कैंसिल हो गया, अब वैल्यू रख के देखो, ऊपर बना वन, नीचे एक्स को ज़ीरो रखोगे तो ये ज़ीरो, वन प्लस वन टू, तो 1/2। तो हमारे पास जो ये वाली लिमिट है ये कैसे सॉल्व हुई है, राइट हैंड लिमिट, पहले रूट में था इसको रेशनलाइज़ किया ये मिला हमें, नाउ बी से बी कैंसिल हो गया, एक्स की पावर कलेक्ट कर दी, पावर कलेक्ट करने के बाद नीचे देखा हमने ये तो दोबारा से 0/0 फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, तो हमने नीचे से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने पर हमें यहाँ पे मिल गया x, तो रूट दोनों पे सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद रूट एक्स रूट वन प्लस बी एक्स प्लस में रूट एक्स, रूट एक्स कॉमन लिया तो हमें ये मिल गया। नाउ एट x इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो c दे रखी है, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या सॉल्व होके आई थी, a प्लस टू सॉल्व होके आई थी, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या सॉल्व होके आई है, 1/2 सॉल्व होके आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है a प्लस में टू, राइट हैंड लिमिट हमारी आई है 1/2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है c। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे हम यहाँ से, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, -3/2, 1/2 -2 -3/2, एंड c लेखे देखेंगे इन दोनों से तो c आ गया 1/2, तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें b की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली है क्योंकि इस इक्वेशन में b आया ही नहीं, तो हम b की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे कि b की वैल्यू क्या होगी। तो अभी क्वेश्चन में चलिए, मतलब कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहाँ पर चलिए, अगर हमें b या कोई भी जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो नहीं मिलती है इक्वेशंस में लास्ट में, तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में b यहाँ पर है, अब जो b है वो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, अगर कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है देन डेफिनेटली हमें उसके बारे में पता होता है कि वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ये डिनोमिनेटर में है दैट मीन्स ये ऑलवेज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। देखिए x यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इसने मेंशन किया है कि x भी पॉजिटिव होगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो का केस इसने अलग ही दिया है, यहाँ x डिनोमिनेटर में तो x लेस देन ज़ीरो पे चल रहा है ये, तो नीचे जो क्वांटिटी दी होती है डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए ना हमारे पास, तो यहाँ b जो है हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि ज़ीरो को छोड़कर b कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन में b मिला ही नहीं है कि हम पर्टिकुलरली उसकी वैल्यू बताएं क्या, कोई फिक्स वैल्यू तो उसकी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में देखने से ये ज़रूर पता चल रहा है कि b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि b डिनोमिनेटर में है। तो आप डायरेक्टली लिखोगे यहाँ से, रीज़न वगैरह कुछ नहीं मेंशन करना, डायरेक्ट लिखना है बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है एंड बी कैन टेक एनी रियल वैल्यू। समझ में आ गया आपको ये, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, देख लीजिए एक बार, इस तरह से करवाया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं, एक दो ही क्वेश्चन हैं।
तो आपको ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मॉडुलस फंक्शन के। मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन करने से पहले आपको मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग आनी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक तो हम सॉल्व करते हैं उन फंक्शंस के लिए जिन फंक्शन क्वेश्चंस में फंक्शन खुद ही सेपरेट करके दे रखे हों, कि कोई भी क्वांटिटी ज़ीरो ले लो, सपोज ज़ीरो के लेस के लिए फंक्शन ये है, ग्रेटर के लिए ये है, उस केस में हम लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट सॉल्व करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है तो उसके लिए भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं? वो मॉडुलस की डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, सपोज लेट मैं ले लेती हूँ कि फंक्शन मॉड एक्स है। मैं अभी आपको लिमिट सॉल्व करना नहीं सिखा रही हूँ, मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग बता रही हूँ। एक बार 11th क्लास में मैंने बताई थी, लेकिन एक बार फिर भी दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं ये। लेट एफ एक्स मॉड एक्स। अब हमारे पास जो ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। ज़ीरो के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स ज़ीरो पे आपको इस फंक्शन की ब्रेकिंग करनी है। ज़ीरो पे ब्रेकिंग करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। ज़ीरो पर ब्रेकिंग करने का मतलब क्या होता है कि ज़ीरो के लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या बनेगा और ज़ीरो के राइट के लिए फंक्शन क्या बनेगा, ये करना है हमें। अब देखो, अगर हम लेस देन ज़ीरो लेते हैं, एक्स को लेस देन ज़ीरो लिया, लेस देन ज़ीरो में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जब हम ब्रेकिंग करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम ब्रेकिंग करते हैं उस केस में मॉडुलस जो होता है वो हटा दिया जाता है। जब हम मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग करते हैं उस केस में मॉडुलस का सिंबल हटा देते हैं, डायरेक्टली जो वैल्यू आती है पॉजिटिव या नेगेटिव वो वैल्यू हम लिखते हैं। ओके, तो एक्स लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव? नेगेटिव रहेगी एक्स की वैल्यू। तो मॉडुलस का सिंबल तो हटा दिया और ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ लिखोगे आप नेगेटिव। ओके, एंड जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो से आगे, ज़ीरो से आगे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो एक्स पॉजिटिव हो गया। एक्स पॉजिटिव हुआ और मॉडुलस फंक्शन हमने जो सिंबल है हटा दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रखोगे तो निकल के क्या आएगी, पॉजिटिव ही निकल के आएगी। ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो कहीं पे भी इंक्लूड कर लेना, यहाँ कर लेना चाहे यहाँ कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। नाउ अब देखिए मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे हुई। एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो पे, दोबारा समझ लीजिए, लेस देन ज़ीरो जब ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा है तो नेगेटिव आएगा एक्स, एक्स नेगेटिव आया तो मॉडुलस का सिंबल हटा दो, माइनस एक्स हुआ। एक्स पॉजिटिव आया तो मॉडुलस का सिंबल हटा दो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए पॉजिटिव ये हुआ। अब देखो, ज़ीरो पे अगर हम ब्रेकिंग करते हैं तो ज़ीरो के से छोटा है तो फंक्शन माइनस एक्स हुआ, और ज़ीरो से बड़ा है तो फंक्शन एक्स हुआ। फंक्शन ज़ीरो पे चेंज हो रहा है ना, देखो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है, इसीलिए हमें मॉडुलस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करनी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग ना करके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, और ये प्रोसेस इतना लेंदी नहीं होता, ईजी भी होता है, और इस प्रोसेस में मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस होता है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बट इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। मैं एक और एग्जांपल और ले देती हूँ आपके लिए मॉडुलस के ब्रेकिंग के लिए। मान लीजिए हमें मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की ब्रेकिंग करनी है, मान लीजिए इसकी ब्रेकिंग करनी है, तो क्या करोगे आप, एक्स माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल रखो, एक्स आ गया टू। दैट मीन्स हमें टू पे ब्रेकिंग करनी है, टू के लेफ्ट और टू के राइट के लिए, ये देखना है। तब आप देखिए, जब टू के लेफ्ट में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, रख के देख लीजिए, टू से जस्ट छोटी हम सपोज़ यहाँ 1.5 रख लेते हैं, 1.9 रख लेते हैं, तो ये नेगेटिव निकल के आएगा या पॉजिटिव, टू से छोटे के लिए कुछ भी रख लो ऑलवेज़ नेगेटिव आएगा ना। तो यहाँ नेगेटिव सिंबल लगा के ऐसे लिखो और सेमी कोलन लगा के टू से छोटा,
अगर हम 2 से बड़ा लेते हैं, 2 से बड़ा अगर हमने लिया, 2 से बड़ा 2.1 ही ले सकते हो आप, या कुछ और भी ले लो, छोड़, नियर बाय 2.1 लिया हमने, 2.1 यहाँ डालो तो ये पॉजिटिव मिला, तो ये मिला पॉजिटिव, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आई, और x ग्रेटर देन 2 पे इक्वल टू कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कर दिया हमने। तो इस तरह से हमें मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग करनी है। अब देखिए 2 के लेफ्ट के लिए फंक्शन नेगेटिव के साथ है, राइट के लिए पॉजिटिव है, तो फंक्शन चेंज हो गया ना, लेफ्ट में कुछ और है, राइट में कुछ और है, इसलिए हमें मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग करनी होती है। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए मैं मॉड एक्स प्लस 3 की ब्रेकिंग करना चाह रही हूँ, तो क्या करेंगे हम, एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स आ गया माइनस 3, तो हमें माइनस 3 पे ब्रेकिंग करनी है, माइनस 3 से छोटा, माइनस 3 से बड़ा। अब माइनस 3 से छोटा तो माइनस 3.1 होगा, 3.2 होगा विद माइनस, तो माइनस 3.1 अगर हम यहाँ रखते हैं, माइनस 3.1 या माइनस 3.5, तो ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जब लेस देन माइनस 3 है तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, और जब ग्रेटर देन माइनस 3, ग्रेटर देन माइनस 3 का मतलब माइनस 2.9 या माइनस 2.5 या माइनस 2 रखो, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और इक्वल टू 3 सपोज यहाँ इंक्लूड कर दिया, कहीं भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू माइनस 3। तो ये इस तरह से हमें मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग करनी है। ये ब्रेकिंग मैंने आपको क्यों सिखाई है, सो दैट आपको क्वेश्चन करने में अब प्रॉब्लम ना आए, जब मैं ब्रेकिंग करूँगी क्वेश्चंस में तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ के, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स kx upon mod x, x less than 0, 3x greater than equal to 0 is continuous at x is equal to 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। देखिए अब यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस के लिए ध्यान से सुनिएगा, मॉडुलस के लिए दे रखा है हमें x less than 0 के लिए, ओके, x less than 0 में मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। अब x greater than equal to 0 पे 3 वैल्यू है, तो 0 पे ब्रेकिंग हो रही है इसके, अपने आप ही इसने अलग अलग दे दिया है, तो आपको अपने आप ही लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए पहले जो फंक्शन है एज इट इज़ लिख दो, लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर x less than 0 होगा